में 361 ग्राम पंचायत के सार्वत्रिक चुनाव और 12 ग्राम पंचायत के उपचुनाव के लिए रविवार को वोट डाले गए। औसतन 77% मतदाताओं ने मतदान किया और आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आ चुका है, जिसमें भाजपा की भारी मतों से जीत कई जगह हुई है। इसी श्रृंखला में खास बातचीत की है आशीष देशमुख इनसे, आइए डालते एक नजर। नागपुर जिले में कल यानी 5 नवंबर को जो है 361 ग्राम पंचायत के लिए सार्वत्रिक एवं जो है 12 ग्राम पंचायत के लिए उपचुनाव हुए हैं और आज जो है उसके नतीजे घोषित हुए हैं और नागपुर जिले में जो है भाजपा को काफ़ी अच्छी जीत जो है हासिल हुई है। यहाँ पे हमारे साथ जो है आशीष देशमुख हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये जीत जो है वो कैसे देख रहे हो आप। निश्चित तौर पर जो विकास का कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खास करके सन्मान्य देवेंद्र जी और बावन कुए जी के नेतृत्व में जिले में हो रहा है, ग्रामीण अंचलों में हो रहा है, गांवों में हो रहा है, यह लोगों को भाया है, ग्रामीण जनता को भाया है, उन्होंने सराहा है और इसीलिए भाजपा प्रणीत सभी सरपंच पद के उम्मीदवार, सदस्य पद के उम्मीदवार को चुन के देने का काम जिले के लोगों ने किया है। मैं सभी जिले के ग्रामीण जनता का मनपूर्वक आभार व्यक्त करूंगा भाजपा की ओर से कि आपने पुरजोर तरीके से हमें साथ दिया है। जो कि काटोल विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी आपको भारी यश यहाँ प्राप्त हुआ है, क्या बताओगे, क्योंकि ये पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का विधानसभा क्षेत्र आता है। नहीं देखिए, भाजपा अगर अनिल देशमुख जी के काटोल विधानसभा क्षेत्र में चुन के आ रही है, वो खास करके 80% से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भाजपा का बोलबाला हमें देखने को आ रहा है, यही बताता है कि अनिल देशमुख जी के कार्य के ऊपर वहाँ की जनता नाखुश है। उन्होंने पिछले 25-30 सालों में लोगों के लिए, काटोल विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किया, निष्क्रिय विधायक की तौर पे उन्हें आज वहाँ पे जाना जाता है और इसीलिए लोगों ने उनके सरपंच पदों के उम्मीदवारों को नकारा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पाएंगे कि अनिल देशमुख चुनाव हार जाएंगे। ग्राम पंचायत चुनाव को जो है लिटमस टेस्ट भी कहा जाता है, विधानसभा चुनाव के पहले जो होती है, तो विधानसभा की, तो इसे कैसा देख रहे हो आप विधानसभा चुनाव को? आप देखिए, सावनेर विधानसभा हो, काटोल विधानसभा हो, उमरेड़ विधानसभा हो, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायत के भाजपा के चुन क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि हिंगना कामठी में तो हम वापस हमारा विधायक बना ही लेंगे, पर साथ में उमरेड़ हो, काटोल हो, सावनेर हो, इन विधानसभा क्षेत्रों में भी आने वाले विधायक ये निश्चित तौर पे भाजपा के होंगे। हमारे साथ आशीष देशमुख थे, इन्होंने जो है जीत की खुशी को जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में भी हमारे ही कैंडिडेट जो है जीत कर आएंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।